आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अंबानी और रिलायंस परिवार को अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से दोहराने से क्या फायदा है? तो जवाब उसका यह है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उपदेश मिलता है। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो, कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान हूं, कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने यह पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम। धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है। शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस। भरोसा, ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है। अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, ये उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पीएम से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पर चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरा, मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया, कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली, बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समय बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया, तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं।
उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। धीरू भाई अपने देशवासियों के लिए क्या मायने रखते थे, उस पर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े कर दिए। बच्चा देखकर चिल्ला, अरे दादू ये क्या किया आपने, इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था, पर कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया। बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला, इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरूभाई अंबानी की तस्वीर थी। देवियों और सज्जनों नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।